कानून करायदारी बिल पास करवाने पर इस्लामाबाद के ताजरों की तरफ से दारुल हुकूमत के तीनों एमएनएस जिनमें विफाकी वजीर असद उमर, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखला राजा खुर्रम नवाज, मुआनी खसूसी बराए सीडीए अली नवाज अवान के एजाज में ट्रेडर कन्वेंशन मुनाकिद किया गया। तकरीब की मेजबानी रीजनल कोऑर्डिनेटर चौधरी नदीम गुज्जर, आबिद मलिक सेक्रेटरी ट्रेडर एसोसिएशन और अजमल बलोच सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने की। इस मौके पर चौधरी नदीम गुज्जर, खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान और विफाकी वजीर असद उमर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी के तमाम हुकूमत और सियासी जमातों की अदम दिलचस्पी की वजह से कानून करायदारी बिल को खत्मी शक्ल ना दी जा सकी। तो सब दोस्तों की राय ये थी कि जी बड़ी मुश्किल से इधर तक लेके आए थे और इसको अब ना छेड़ें तो बेहतर है। तो फिर वही कानून जो है हमने कहा जी ठीक, हमने उसको अपना बना लिया कि ये इसी को हमने आके लेके चलना है। और उसके बाद असेंबली में भी ले गया, असेंबली में मैंने पेश भी कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि जी ये सारी दूसरी जमातों के लोग हैं और उस वक्त तो अजमल बलोच साहब की पार्टी की अक्सरियत थी, तो हमने कहा बस बलोच साहब साथ हैं, मसले को नहीं, इनकी मर्जी का तो बिल है। तो ये बेचारे जो है वो आखिरी दिन तक लगे रहे। मुझे याद है आखिरी दिन भी उन्होंने कहा था जी आज हम कर देंगे, लेकिन चले जी देर आए दुरुस्त आए। तो आप सबका वाकई में दरीना ये मुतालबा था, बड़ा जायज़ मुतालबा था। तो मुझे खुशी है कि हम यहाँ तक पहुँच गए कि कौमी असेंबली से पास हो गया इंशाल्लाह ताला ये जल्द। यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए ना कोई अपनी हुकूमत के सामने बोला, ना कोई असेंबली में बोला, ना किसी ने आवाज उठाई। तो आज मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि मैं असद उमर की टीम का हिस्सा हूँ। असद भाई मैं सबसे बड़ा गिला क्या होता था कि सबको शहर में लग रहा है, ये पहले दो साल है कि शहर रो रहा है कि सब कुछ गांव में लग रहा है। पिछला 35 साल से इस्लामाबाद के ताजरान का एक बहुत बड़ा इशू चलता आ रहा था, जिसपे आलमोस्ट तमाम हुकूमतों ने, जितनी भी हुकूमतें इसमें से लेकर 35 साल से आज तक आई हैं, सब ने अपने इंतखाबी मंशूर के अंदर इस चीज़ को रखा है कि हम जनाब आपका रेंट पेट्रोल एक्ट जो है वो तमाम असम्बली से पास करा के देंगे, लेकिन सवाए तुफल तसलियों के किसी भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ पे जब असद उमर साहब इलेक्शन कंटेस्ट किया फर्स्ट टाइम, उस वक्त हमने ये मुतालबा उनके सामने रखा। हम अपोजिशन में थे, जाहिर सी बात है हम उस वक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद जब हम हुकूमत में आए तो ये इंतखाबी मंशूर की सूरत में मैं चूँकि ट्रेडर्स का हेड उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैंने एक मंशूर ट्रेडर्स के लिए अलहदा से बनाया। उसमें हमने ये तमाम लोगों को मंशूर दिया। आज अलहमदिल्ला रबी आलमीन हम लोग शुरू हो चुके हैं असद उमर साहब की कप्तानी में, राजा खुर्रम साहब उनके बेहतरीन प्लेयर की सूरत में और उनके दूसरे जो अटैक बॉलर हैं अली नवाज अवान उनकी शक्ल में आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया। इसीलिए इस्लामाबाद के ताजरान ने एक ज़बरदस्त महफिल जो है उनके लिए उनके एजाज में रखी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी कामयाबियाँ। आज माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मैं जो नदीम गुज्जर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना कामयाब ताजर कन्वेंशन जो किया, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जनाब असद उमर साहब का, अली नवाज अवान साहब का और राजा खुर्रम नवाज साहब का कि उनकी कोशिशों से जो कानून किरायेदारी का बिल कौमी असेंबली से पास हुआ है। ये एक दरीना मुतालबा था हमारी ट्रेडर्स कम्युनिटी का कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कानून किरायेदारी मुख्तलिफ था, जबकि इस इस्लामाबाद के अंदर कानून किरायेदारी बल्कि वो इस्तेहसाली कानून था ट्रेडर्स के लिए। तो ये कानून किरायेदारी का बिल पास होने पे हम शुक्रिया अदा करते हैं, पास कराने पे शुक्रिया अदा करते हैं अपने तीनों MNAs का और चौधरी नदीम गुज्जर साहब की एफर्ट्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जी बिल ना जमात इस्लामी पास कर सकी, ना पीपल्स पार्टी पास कर सकी, ना मुशर्रफ साहब पास कर सके, ना नून लीग पास कर सकी। मैं शुक्रगुजार हूँ इमरान खान साहब का, असद उमर साहब का, अली अवान साहब का और राजा खुर्रम साहब का। और मैं PTI में आखिरी बंदा था, हर पार्टी से मैंने कहा है कि मैं उस पार्टी में शामिल हो जाऊंगा जो ये कानून पास कर देगी। आज से मैं PTI का हूँ, आज से PTI का वर्कर हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा, इसलिए कि ताजरों का नुमाइंदा होने के नाते इन्होंने ये कानून पास किया है, ताजर को तहफ़ दिया है, तो मैं इंशाल्लाह PTI का तहफ़ करूँगा। दो साल के मुख्तसर अरसे में PTI की हुकूमत ने इस्लामाबाद की तीनों MNAs की कोशिशों की बदौलत इस बिल को अमली शक्ल दी और बला आखिर ये बिल कौमी असम्बली से पास करवाया।